अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें चले गया. इट लिटरली फील्स लाइक उन्हें कोई ट्रिप पे गया. पूरे दोस्त हल्लू हल्लू करके बाहर शिफ्ट हो जा रहे हैं. मेरे को ऑनेस्टली हिम्मत नहीं है गाइज नए फ्रेंड्स बनाने की. व्लॉग गाइज, आज का दिन बड़ा सैड है मेरे लिए बिकॉज एक और दोस्त मेरा हैदराबाद छोड़ के चले जा रहा है. हैदराबाद क्या, इंडिया ही छोड़ के चले जा रहे हैं सब. बट एक फायदा तो हो रहा गाइज, हर देश में एक दोस्त तो है. देखो ऑलमोस्ट अच्छा, एक यूके चले गए, कनाडा में है, यूएस में है, अब ऑस्ट्रेलिया भी सॉर्टेड है अपना. यही सोच के दिल बहला ले रही हूँ मैं, बट आई एम सैड. अब मैं आपको जाके बताती हूँ कि मैं कौन से दोस्त की बात कर रही हूँ जो छोड़ के जा रहा है. तो गाइज, ये इंसान जा रहा है छोड़ के हैदराबाद. कहीं को तुम्हारे वैसे यहाँ की हवा पसंद नहीं आ रही, क्या हुआ तुम्हारे? फिर भी यहाँ के लोग पसंद नहीं कर, मेरे को जानता नहीं है. टेक इट बैक. क्या बोले? आई मीन लोग पसंद आ रहे, ये मेरा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट था लाइफ में. कासिम की बीवी वासे कर रही. नहीं भाई, क्या है ये हल्लू हल्लू, हर कोई चले जा रहा. देखो गाइस, मैं एक अकेली एकलौती इंसान हूँ जो अपने हैदराबाद को छोड़ के नहीं जा रही. देखो तो बाकी सब यूजलेस. क्या तुम कैसा बिरयानी कैसे खाएंगे काजम? 65 बिरयानी वहाँ पे भी मिलता, 65 कुछ नहीं है जो नहीं मिलता. यहाँ के जैसा नहीं मिलता ना काजम, लेकिन यहाँ के जैसा नहीं मिलता. वहाँ पे मसाले नहीं रहते काजम, फिक्की बिरयानी रहती. ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मसाले रहते. खिचड़ी में, तो खिचड़ी में गोश्त डाल के दे दिए वैसा दिखता वहाँ पे. नहीं, हम जाके होटल खोलेंगे यहाँ पे बेहतरीन. जो नहीं है वो अपन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह. आप ला दुआ करिए. तो आप ऑस्ट्रेलिया जाने का क्यों प्लान कर रहे हैं? जाके ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं आप कहीं और भी जा सकते थे. Oh, the thing is, you know, I actually I wanted to go to Australia because I have my cousins there. Okay. So yeah, my sister is a citizen and I have my two other cousins staying there and two very close friends of mine is in Australia. So yeah, that's how it. तो फिर आप वापस कब आएंगे काजिम? इंशाल्लाह. देखिए अभी तो मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं है आने का, बट देखेंगे, आएंगे जरूर. ऐसा दिख रहा तो नहीं कि तुम हैदराबाद को जरा भी मिस करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे जो ग्लो और खुशी दिख रही ना इस वक्त काजिम, कोई ब्लॉग में नहीं दिखी होंगी. बट नर्वसनेस इज देयर इनसाइड बिकॉज आई विल बी लीविंग माय सिटी, माय पीपल, माय फ्रेंड्स, यू. थैंक्स फॉर रिमेंबरिंग मी. Yeah, I'll be missing my close friends a lot. Family and close friends, that's it. हाँ, thank God. मैं भी बोली थी family. मैंने family. नहीं, झूठ बोल रहा है. Airport look आपका बड़ा cool है. ये बहुत comfortable look है, but ये थोड़ा मोटा इसलिए है क्योंकि बैग में जगह नहीं थी तो मैं पहन लिया क्योंकि लगेज वेट ज्यादा हो रहा था. तुम एक कैरी भी कर सकते हो और एक जैकेट है तो, और एक यहाँ सब बन ले सकते. और मेरे को वहाँ पे एयरपोर्ट पे लोग सोचेंगे दीवाना आ गया. इन्हें ऑस्ट्रेलिया गया नहीं गया वो सेकेंडरी है, प्राइमरी दीवाना बोल के वहाँ आ जाता है. इन्हें जैकेट आ, ये क्या है, इतनी भी सर्दी नहीं है कि इन्हें इतने मोटे मोटे जैकेट पहन ले रहा है. तो वहाँ के भी लोगों को मालूम होना ना काजिम आते कि कौन आया बोल के. वहाँ के लोगों को मालूम हुआ तो चलता, यहाँ जाते टाइम मालूम हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है. गाइस देखो, हमारे दोस्त अभी तक नहीं आए, इनको छोड़ने ऐसे जाने वाले थे. मैं तो अलाइनर्स भूल गई थी तो आधे रास्ते में से मेरे को वापस जाना पड़ा. फिर भी मैं सबसे पहले हूँ, देख रहे हैं मैं इम्प्रूव कर रही हूँ. आई डोंट नो हाउ. आई थिंक या तो लोग आए तो ज्यादा लेट हो गए या मैं थोड़ी जल्दी हो गई. आई डोंट नो. माई स्किन इज लाइक स्किनिंग टूडे लाइक, एंड लिटरली आई एम नॉट इवन वेयरिंग लाइक अ लॉट ऑफ मेकअप. मैं सिर्फ बीबी क्रीम लगाई. मैं वैसे भी ज्यादा मेकअप यूज नहीं करती हूँ वेन एवर आई गो आउट बिकॉज वन आई एम लेजी एंड टू मेरे को उतने प्रोडक्ट्स लगाना अपने स्किन पे पसंद है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वो आपके डार्क स्पॉट्स ये वो कंसील हाइड ये सब तो कर देते बट दे डोंट फिक्स इट. तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट दैट वुड हेल्प मी डू बोथ एंड दैट इज वेन आई फाउंड ये डर्मा कोका 2% नियासिनामाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम. ये प्रोडक्ट मेरे को मिले बाद से मैं लिटरली ये यूज कर रही हूँ एवरी डे पर्पज के लिए बिकॉज दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट. एंड ऑल्सो ये मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करा टू गेट रिड ऑफ डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन बिकॉज इसमें जो 2% नियासिनामाइड है दैट हेल्प्स इवन आउट योर स्किन टोन. इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स भी है जो हेल्प करता है आपके स्किन को हाइड्रेट एंड प्लम्पी बनाने में. ऑल्सो इट हैज द गुडनेस ऑफ एक्विजिल. इसमें SPF 30 भी है सो इट प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड ऑल्सो PA++ है. मैं नेक पे कुछ नहीं लगाए तो यू कैन सी की डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं. इट लिटरली मैचेस माई शेड परफेक्टली. ये तीन शेड्स में आता है, वन इज लाइटर, वन इज मीडियम एंड वन इज डार्कर. दीज आर द स्वॉचेस. सबसे लाइट वाला इज एवरी, बीच वाला इज न्यूड एंड द सबसे लेफ्ट वाला इज वार्म बेज.
मेरे लिए बेस्ट मीडियम वाला वर्क करता। कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे को थोड़े एक्ने स्पॉट्स अभी है, दीज वर डार्कर बिफोर आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, बट ये बहुत लाइट हुए। सो या आई जस्ट लाइक डायरेक्टली डैब इट। अभी मेरे को अपने थोड़े डार्क स्पॉट्स हाइड करना है एंड जस्ट ब्लेंड इट। कभी कभी तो मैं डायरेक्ट उंगली से भी लगा लेती हूँ बिकॉज इजियर दैट वे, एंड दैट्स इट, इट्स एज इजी एज दैट। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने से पहले डोंट फॉरगेट टू पैच टेस्ट। तो अगर आप लोग हम ये ऑसम प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड अनटेम 2023 फॉर 20% डिस्काउंट ऑन देयर वेबसाइट। एवरी टाइम यू मेक अ परचेस ऑन द डर्मा कोड, दे लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। लास्ट ईयर दे हैव हेल्प्ड एम्पावर 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अंडर देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। आप लोग इनके प्रोडक्ट्स नायका, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू वेटिंग फॉर, गो बाय। गाइज यहाँ पे आपको जितने गाड़ियां दिख रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो गया है यहाँ पे, लोग काजिम को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं बोल के। बस बच्चे की पॉपुलैरिटी देखो कंशिफ, व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे, ऑफिस जान छोड़ के आए लोग। देखिए आप बर्फ गिरी, देखिए हमारे भाई को लगता है यहाँ बर्फ पड़ने वाली। अरे भाई किधर है, राहुल पैट्रिक ये तो मैं डाल रही हूँ भाई। मेरे को एक्चुअली अभी तक हिट नहीं हुआ कि इन्हें जा रहा है, फील लाइक इन्हें गए बात से हिट होगा कि ओ शिट चले गया बोल के। जाओ कासिम, आई एम वेटिंग फॉर माय वाइफ। ओ योर वाइफ, ओके ओके, सॉरी मैन। ओ आई स्पॉट सम हाइड्रोस्टैंड इन द बैकग्राउंड, या दैट्स माय साला। गाइस ये नया न्यू मर्च है हाइड्रोस्टैंड का, स्टेइंग डिलीव्यू इज दिस न्यू। क्या कर रहे थे अब तुम, तुम्हारे हाइड्रोस्टैंड का प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोट करके जाओ ना कासिम, लास्ट टाइम फॉर अ व्हाइल। जाके करूंगा ना प्रमोशन, अब हमारा इंटरनेशनल प्रमोशन होगा। काजिम तुम्हारे हाथ से कोई कुछ भिजा रहे हैं कि आप जाके वहाँ खानदान वाले हैं, दियो बोल के ऐसा कुछ है? जा रहे तो बहुत कुछ, हमारे दोस्त साहब है उन्हें ग्राइंडर का दिए लिख जाऊँ। ग्राइंडर का क्या? आई डोंट इवन नो व्हाट दिस इज, ये लिख जाना है। जेब में फिट हो रहा है ना, अलग सूटकेस होना पड़ेगा। सूटकेस अभी बात कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा लगेज की मैं इनके लकोस्ट बैग में रख दिए हैं। अब मानना है सब चीजों में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। तुम बीवी को छोड़ के दूसरी गाड़ी में आ गए, शर्म नहीं है? इनके बीवी अभी तक नहीं पहुँचे यहाँ पे, इंतजार। थोड़ा फेक रोने की ट्राई करेंगे नहीं, मैं तुम्हारा मॉरल सपोर्ट दूंगा मैं तुम्हारे घर। सब चले जा रहे हैं बैगर, पर तू कहीं और जा, अभी देख यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में अपने लोग हैं, तो तेरे को अगर जाना है तो तू पेरिस वेरिस जाके रह सकता। पेरिस कचरा गुंडी है, बॉम्बे में आती हूँ वेकेशन, पेरिस कचरा गुंडी है। तो यूरोप में कहीं चले जा रहे हैं, एम्स्टरडम चले जा, ऐसा कौन बता, तू है ना सेलिब्रिटी फ्रेंड, तो मैं ही चले जाती हूँ। अच्छा like a thousand people who have come to see him off, and it's only because we love him too much. कैसा फील हो रहा आप लोगों को? बहुत बुरा फील हो रहा है ना? हाँ, मैं भी बहुत बुरा फील। बुला तो मुर्रा ऑस्ट्रेलिया, बुला तो मुर्रा। हाँ, सब जाएंगे। Bye Kasim, bye Anju. Bye Kasim. तो फाइनली काजिम लेफ्ट एंड मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें चले गया है। लिटरली फील्स लाइक उन्हें कोई ट्रिप पे गया एंड ही इज गोना कम बैक, बट मैं जितना सोच रही हूँ कि यू नो ही इज परमानेंटली शिफ्टेड टू अनदर कंट्री, उतना ही मेरे को खुशी भी फील हो रही है उसके लिए, बट बहुत सैड भी फील हो रहा, क्योंकि उन्हें एक ऐसा दोस्त था मेरा जो मैं चाहे कोई भी वक्त पे उसको कॉल करूं, चाहे मैं उसको काम भी बुलाऊं, चाहे मैं उसको कोई भी काम बोलूं, ही वुड ऑलवेज बी देयर। सो अभी मैं सफ़ी से मिलने आई और उन्हें जो ऑफिस में काम करता, काजिम भी वही ऑफिस में काम करता था, तो मेरे को और इमोशनल फील हो रहा है एंड इट्स जस्ट इट्स वियर्ड बिकॉज मेरे पूरे दोस्ता हल्लू हल्लू करके बाहर शिफ्ट हो जा रहे हैं एंड मेरे को ऑनेस्टली हिम्मत नहीं है गाइज नए फ्रेंड्स बनाने की, सो स्टॉप मूविंग, लाइक जस्ट स्टे। ठीक है, इंशाल्लाह आई एम गोना कम विजिट यू सून इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई रियली 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 मिस यू ऑलरेडी। टेक केयर एंड हैव फन। ख्याली में भी मेरा गलत गाया सब, क्या कर रहे ब्लॉग ले रहे तुम?
अश्वारी कह रही थी क्लीन की यारो क्योंकि मैं क्लीन करवाई अच्छा क्लीन कर मेरे आंसुओं से क्लीन हो गए तो हर हफ्ते रोना यारो शट अप काजिम चले गया तुम भी बोल दो कोई इरादा है क्या तुम्हारा काजिम बाहर चले गया ऑस्ट्रेलिया चले गया हमेशा के लिए यस अरे आते यार ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्हें को था तो वो करने वाला है हर एक दिन बात कर पहुंच गया तू क्या कर रहा तू कहीं जाके खुश है नहीं है खुश ये तरह का तुम्हारा कोई गए थे सुकून से उसको रहने दो नहीं भाई तुम पहले बोल दो तुम्हारा इरादा है क्या मैं अभी से प्रिपेयर्ड रहती हूँ मिल गया से तुम अभी भी गाइस मैं यूएस जा रहा हूँ चला यूएस नॉट टंकी नंबर वन तुम्हारे ऑफिस में या नीचे कुछ खुला ही नहीं है बुक से मौतारी में ऑफिस में क्या है बन जाता था 10 बजते की बन जाते थे पूरे हाँ यार ऊपर के कैफेटेरिया में खुला रहता अब ऊपर के कैफेटेरिया के तुम चीजा खाए तो स्नीक मी इन हाँ ऊपर के कैफेटेरिया के चीजें नहीं खा सकते चलो लेट्स गो मेरे मुछा कैसे दिख रहा था दादो सफी बना गाइस इन लाइक थंबनेल के वास्ते कुछ भी कर सकते हैं व्लॉगर्स मालूम ना ऐसे ज़ैनब मेरे क्लिप आर्ट ढूंढ के थंबनेल में डाल दी मैं बड़ा व्लॉग देखता हूं अरे कहां हो रहे भाई मैं बता मेरे को बताओ लास्ट में हां गाइस सफी आया था ठीक है चलेगा तो मैं लास्ट आप लोगों को व्लॉग अच्छा दिखा दो इतने क्लिप के वास्ते मेरे को पूरी थंबनेल में डालती हूं नहीं गाइस इन इतने टाइम के बाद YouTube पे दिखने वाला है वो भी मेरे चैनल पे अच्छा तुम YouTube पे डाल रही है जरूरी है मैं वो उससे लेने वाला हूँ ब्लॉग गाइस हेलो गाइस देख रहे हैं मैं वो वीडियो लेने भाग रहा हूँ कैमरे के बल के ले लेके शूट करना पड़ता तुम अपना चैनल का छोड़ दिया तुम मेरा चैनल क्या मालूम यूजर आईडी पासवर्ड भूल गया गाइस हाफ हाफ ब्लॉगर रहता है बता दो गाइस मेरी यूजर आईडी पासवर्ड भूल गया मैं और उन्हें वो क्या था वाईटी डैशबोर्ड डाउनलोड करो तो 100 सवाल पूछ रहा आर यू ब्लॉगिंग आर यू क्राइमिंग व्हाई आर यू डाउनलोडिंग वो तो मला ओके ओके बोल के मैं बैक कर दिया बट गाइस हम ला सोच रहे थे कि मैं और सफी मेरे चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करेंगे पब्लिक सीरीज तो लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ वी शुड डू दैट तो हम ला आप लोगों के साथ संडे के दिन 5 बजे फोन कर दी हेलो कहाँ है यार तुम बैगन मैं फोन ले लेके निकली थी सोची कुछ भी पब्लिक का बना लूंगा तो मैं गरीब आदमी अब कह रहा था काम करते रहता मजदूरी करते रहता फ्री प्लान रहना Okay, we'll plan it, but let us know in the comments. अगर आपका इंटरेस्ट दिखाया तो हम ला शुरू करते जरूर